to Sunny Seam's International School of Astrology. Join in and learn free astrology. Kapil ji ne bahut hi acha isme ek subject dala hai. Farman number 6 ka kitab 1952 page number 48 page number 49. Ghar ka grah. आज मित्रों मैं आपको बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता, वह अपना फल उस घर की ज़मीन और उस घर के अनुसार ही देता है। जैसे कि अगर मंगल लग्न में है तो शुभ फल देगा और अगर मंगल चौथे में है तो वो नीच का फल देगा। अब मंगल तो वही ग्रह है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वो मंगल दसवें घर में उच्च का और चौथे घर में नीच का? तो यानी कि मंगल जो है वो उस घर के अनुसार फल देता है। जैसे आपके यहाँ पर एक दुकानदार हो, दुकानदार के यहाँ पर एक नौकर नौकरी कर रहा हो तो नौकर चाहे जितना मर्जी अनपढ़ गवार हो, चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको उस दुकानदार के अधीन रहकर ही काम करना पड़ेगा और उसके कहने के अनुसार ही उसका हुक्म मानना पड़ेगा। तो दुकान कौन है? घर। और उसमें नौकर जो है वो ग्रह है। तो अगर ग्रह को अपना अच्छा और बुरा समय बिताना है तो उस घर के अनुसार ही बिताना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने घर में चाहे जैसे भी रहें, चाहे एक समय पे खाना खाएं, चाहे भूखे रहें, लेकिन जब हम किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो हमें उस रिश्तेदार के अनुसार, उसके खान पान के अनुसार और उसके व्यवहार के अनुसार ही हमें अपना व्यवहार करना पड़ता है, आचार व्यवहार बदलना पड़ता है। क्योंकि हम एक ग्रह हैं और हम अपने मेहमान के घर में गए हैं तो हमें उस घर के अनुसार अपना व्यवहार चलाना पड़ेगा। जो घर किसी ग्रह के ठहराए हुए नियम के आधार पर ग्रह का पक्का घर है, वो ग्रह उस घर के लिए और घर का ग्रह कहा जाएगा। बात को समझाने के तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि किसी ग्रह ने किसी और ग्रह की ज़मीन पर अपना घर बनाया तो उस ग्रह को उस घर के ग्रह के नाम से जाना जाएगा। जैसे खाना नंबर 1 मंगल की ज़मीन है, यानी खाना नंबर 1 मंगल का घर है और इस पर सूर्य जो कि उच्च का होता है, सूर्य ने अपना घर बनाया, यानी इस घर का जो ग्रह है वह सूर्य है, अपना घर बनाया, इसलिए इस घर का ग्रह सूर्य कहलाएगा। और इसी तरह खाना नंबर 2 जो कि शुक्र की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे जो घर का ग्रह है वह बृहस्पति है। तो यहाँ पर एक बात आप इसी से समझ जाइए कि राशि फल का उपाय हो सकता है लेकिन ग्रह फल का उपाय नहीं हो सकता। क्योंकि लगन में अगर सूर्य है तो हमें जो है ग्रह फल का उपाय करना चाहिए। जो घर किसी ग्रह के ठहराए हुए नियम के आधार पर ग्रह का पक्का घर है, वो ग्रह उस घर के लिए और घर का ग्रह कहा जाएगा। बात को समझाने के तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि किसी ग्रह ने किसी और ग्रह की ज़मीन पर अपना घर बनाया तो उस
ग्रह को उस घर के ग्रह के नाम से जाना जाएगा। जैसे खाना नंबर एक मंगल की जमीन है, यानी खाना नंबर एक मंगल का घर है और इस पर सूर्य जो कि उच्च का होता है, सूर्य ने अपना घर बनाया, यानी इस घर का जो ग्रह है वह सूर्य है, अपना घर बनाया, इसलिए इस घर का ग्रह सूर्य कहलाएगा। और इसी तरह खाना नंबर दो जो कि शुक्र की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे जो घर का ग्रह है वह बृहस्पति है। तो यहाँ पर एक बात आप इसी से समझ जाइए कि राशि फल का उपाय हो सकता है लेकिन ग्रह फल का उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि लगन में अगर सूर्य है तो हमें जो है ग्रह फल का उपाय करना चाहिए। पर टक्कर का भी जिक्र आता है, यानी खाना एक आठ को मारेगा, दो नौ को टक्कर, तीन की टक्कर दस को, चार की टक्कर ग्यारह को, पाँच की टक्कर बारह को, छः की टक्कर एक को, सात की टक्कर दो को, आठ की टक्कर तीन को, नौ की टक्कर चार को, दस की टक्कर पाँच को, ग्यारह की टक्कर छः को, बारह की टक्कर सात को। यहाँ पर मान लीजिए कि शुक्र सातवें घर में शुक्र की राशि है, तो जमीन क्या है? जमीन जो राशि जिस घर में होगी वो राशि उस घर की ज़मीन होगी। जैसे खाना नंबर तीन बुध की ज़मीन, तो खाना नंबर सात शुक्र की ज़मीन। लेकिन यहाँ पर जो ग्रह है वह बुध है, तो यानी कि शुक्र की ज़मीन पर बुध का घर है। अगर इसी तरह यहाँ पर बृहस्पति आ जाए तो शुक्र की ज़मीन पर बृहस्पति है। तो यहाँ पर ग्रह फल का उपाय होगा, यानी कि पंडित जी ने साफ स्पष्ट तौर पर बोला है कि जो खानों में राशियाँ मुकर्रर की गई, जैसे पहले खाने में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इसी तरह से वो राशियाँ वहाँ से नहीं हट सकती, वो उन राशियों की ज़मीन है। और उस ज़मीन पर बैठा हुआ जो ग्रह है वो उस ज़मीन का मालिकाना हक लेकर बैठेगा, और हम उस मालिक को खुश करने के लिए उसका उपाय कर सकते हैं। जैसे हम किराएदार हैं, हम अपने मकान मालिक को हर महीना किराया देते हैं और वो खुश होता है, तो मकान मालिक ग्रह हुआ और उसका फल जो है वो किराया है, यानी ग्रह फल का ग्रह का उपाय हो सकता है, राशि फल का कोई भी उपाय नहीं हो सकता। कुछ हालातों में मसनूई ग्रहों की मदद लेनी पड़ती है, जैसे बृहस्पति व शुक्र अगर खाना नंबर 12 में इकट्ठे हों तो दोनों में से किस ग्रह का खुद का उपाय संभव नहीं है, क्योंकि खाना नंबर 12 बृहस्पति का पक्का घर है और शुक्र इस राशि में उच्च का होगा। अब अगर बृहस्पति की चीज़ों पे अशुभ असर आ जाए तो शुक्र के मसनूई ग्रह राहु और केतु में से राहु का उपाय करने पर अशुभ हालात ठीक हो जाएंगे। चेहरे पर तमाम ग्रह, बृहस्पति हमारी चेहरे पे नाक और माथा है, सूर्य दाई आँख का डेला है, चंद्रमा बाई आँख का डेला है, शुक्र हमारे गाल हैं, मंगल ऊपर का होठ है, तो मंगल नेक है और नीचे का मंगल बद है, बुध नाक का अगला हिस्सा है और दांत है, शनि भवों व पलकों के बाल हैं, राहु हमारी ठोड़ी है और केतु हमारे कान है। बुध नाक का अगला हिस्सा, ऊपर के दांत मंगल के हैं, नीचे के दांत बुध के हैं। इसमें पेज नंबर 48 पर एक और है चैप्टर, बालिक और नाबालिग देवा व ग्रह।
तो बच्चे की 12 साल की उम्र तक कोई एतबार नहीं होगा, यानी कि हम किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकते उसकी 12 साल की उम्र तक, क्योंकि बच्चा बहुत भोला होता है और उसको बहलाया फुसलाया जा सकता है, जैसे मर्जी तरोड़ा मरोड़ा जा सकता है उसके जीवन को। इसलिए कोई एतबार 12 साल तक नहीं होगा। 21वें साल से पक्की रेखा में कोई तब्दीली नहीं मानते, यानी कि यहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि 12 साल तक बच्चे की कुंडली के कोई उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी हाथों की रेखाएं अदलती बदलती रहती हैं। नाबालिग ग्रह वाली कुंडली या हथेली की रेखाओं का कोई एतबार नहीं है। ऐसी उम्र तक ग्रहों की चाल के हिसाब से रेखा में तब्दीली आ जाए। अगर टेवे के हिसाब से कुंडली के खाना नंबर 1, 4, 7, 10 में कोई पापी ग्रह यानी शनि राहु केतु या अकेला बुध, पापी ग्रह व बुध दोनों में से एक, तो टेवा नाबालिग ग्रहों का टेवा होगा। मित्रों, यहाँ पर अगर किसी की कुंडली में 1, 4, 7, 10 ग्रह खाना खाली हैं, तो तह उम्र वो जब तक जिएगा वो नाबालिग टेवे के अनुसार ही जिएगा, यानी कि उसमें अपनी डिसीजन पावर नहीं रहेगी। जब तक उसका विवाह नहीं होता, यानी उसका सातवां घर का मालिक उसकी पत्नी नहीं आती, या ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता के जीवित रहते रहते कभी कोई कठिनाई नहीं आती, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर 1, 4, 7, 10 में बता दिया गया है, ऐसे प्राणी की उम्र शक्की हुआ करती है, इसलिए ऐसे में इनका फलादेश करना बेकार होगा। ऐसे नाबालिग टेवे के लिए उम्र के हर एक साल में कौन सा खाना और कौन सा ग्रह उम्र के सालों के हिसाब से आएगा जाएगा और किस खाने में, तो उसके अनुसार ही निर्णय लेवें। राहु और केतु जब बंद मुट्ठी के खाने नंबर 1, 4, 7, 10 में हो, तो जिस खाने में हो उस खाने में उच्च होने वाले ग्रह का उपाय किया जाएगा। यानी अगर राहु पहले घर में हो तो यहाँ पे उच्च का सूर्य होता है, इसीलिए पंडित जी ने तांबे की थाली में गुड़ और गेहूँ जो है वो मंदिर में या जल प्रवाह करने के लिए बोला गया है। राहु खाना नंबर 1 में है तो राशि फल का होते हुए भी सूर्य का उपाय किया जाएगा, यानी यार राशि का उपाय नहीं होगा, यहाँ पे ग्रह का उपाय होगा। राहु खाना नंबर 7 में हो तो राशि फल का उपाय होते हुए भी शनि का उपाय किया जाएगा। केतु खाना नंबर 4 में हो तो राशि फल का होते हुए भी बृहस्पति का उपाय होगा, और केतु खाना नंबर 10 में हो तो राशि फल का होते हुए भी मंगल का उपाय होगा। यहाँ पर किस खाने में होगा, बृहस्पति 5, 9, 11 में ग्रह फल का होगा और 6 और 7 में राशि फल का होगा। सूर्य 5वें घर में ग्रह फल का होगा और 6 और 7 में राशि फल का होगा। चंद्रमा 4थे घर में ग्रह फल का होगा और वो किसी भी घर में राशि फल का नहीं होगा। शुक्र 7वें घर में ग्रह फल का होगा और 4थे घर में वो राशि फल का होगा। ये राशि फल और ग्रह फल के अंदर फर्क क्या है कि अगर शुक्र 7वें घर में हो तो वो उस घर का अपना अच्छा और पक्का घर है हो जाएगा, लेकिन अगर यही शुक्र 4थे घर में हो तो वो चंद्रमा की राशि का असर लेकर बैठेगा, तो वहाँ पर हमें
चंद्रमा का मित्र जो उस घर में उच्च का हो, बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा को मदद पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पे जो है इस घर में जो राजयोग होता है बुध, वो खराब हो जाएगा, इंसान की नसें ख़त्म हो जाएंगी और शनि की बीमारी उसको घेर लेगी, और शनि की बीमारी आएगी तो केतु अपने आप ही डैमेज हो जाएगा। इसी तरह से मंगल पहले और आठवें घर में ग्रह फल का, चार और छः में राशि फल का, बुध छठे में ग्रह फल का, दस और बारह में राशि फल का, शनि तीन और दस ग्यारह में ग्रह फल का और तीन और छः में राशि फल का, राहु दो और बारह में ग्रह फल का और एक सात नौ में राशि फल का, केतु दो छः ग्रह फल का और राशि फल का चार और दस खाने में होता है। शनि खाना नंबर तीन पैसे के लिए राशि फल का केतु का खाना नंबर दस में हो तो उपाय की ज़रूरत नहीं है, वरना केतु का उपाय करो। इसीलिए पंडित जी ने खाना नंबर तीन शनि ने जो केतु का उपाय तीन कुत्तों को खाना बोला है, वह दसवें घर को जागृत करने के लिए और केतु को अच्छा करने के लिए बोला गया है। अगर शनि खाना नंबर तीन में हो और केतु खाना नंबर दस में हो तो किसी भी उपाय की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे शनि का कोई भी उपाय नहीं होगा, और अगर होगा तो सिर्फ केतु का उपाय होगा। मित्रों, यदि खाना नंबर नौ में सूरज और मंगल या दोनों में से कोई एक ग्रह हो और उसी वक्त बुध खाना नंबर तीन में या नौ में हो तो ना बुध कुछ बोलेगा ना सूर्य और मंगल को बोलने देगा। लसूड़े के गिटक के हालात पैदा कर दोनों को आराम से सुला देगा और खुद भी सो जाएगा। ऐसी हालत में नाक छेदन सबसे अच्छा उपाय है। अगर शनि खाना नंबर तीन में हो तो केतु का उपाय करो, शनि खाना नंबर छः में हो तो राहु का उपाय करो, और शनिचर खाना नंबर नौ में हो तो बृहस्पति का उपाय करो। इसी तरह से अगर शुक्र चौथे में हो तो बृहस्पति का उपाय भी अच्छा होता है। आमतौर पर खाली खानों की हालत में खाली नंबर वाली राशि के मालिक ग्रह को लेते हैं। जैसे खाना नंबर एक खाली हो तो मंगल की स्थिति देखी जाएगी। अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो खाना नंबर एक उम्दा और जागता हुआ होगा। इसी तरह यदि उम्र पांच रब्बनाख रहो हो लास तो सूर्य को लिया जाएगा। नंबर छः है तो केतु को या बुध को लिया जाएगा। खाना नंबर छः में बुध के साथ केतु और खाना नंबर दो में बृहस्पति के साथ राहु का निवास भी माना गया है। इसलिए इन दोनों खानों में हर दो में से कौन सा एक होगा, इसके लिए बृहस्पति जब अपनी दूसरी राशि खाना नंबर नौ में हो तो खाना नंबर बारह का मालिक राहु होगा। लेकिन अगर बृहस्पति अपनी राशि नौ या बारह में से किसी एक में ना हो तो खाली खाना नंबर बारह में बृहस्पति और राहु इकट्ठे गिने जाएंगे या मसनूई बुध का उपाय होगा। बुध अगर अपनी दूसरी राशि यानी खाना नंबर तीन में हो तो खाना नंबर छः का मालिक केतु लिया जाएगा। बुध यदि खाना नंबर तीन या छः में से किसी भी जगह पर ना हो तो खाना नंबर छः में बुध व केतु दोनों को ही लिया जाएगा। लेकिन अब बुध का असर प्रबल होगा और केतु कमजोर होगा, इसलिए इस स्थिति में खाना नंबर छः का मालिक बुध व केतु में से किसी एक को लेना चाहिए। लेकिन जो भी जन्म कुंडली में हर तरह से नेक कायम व प्रबल हो, क्योंकि खाना नंबर छः हमेशा नेक हुआ करता है, इसलिए दोनों में से कमजोर या मंदा ग्रह नहीं लेंगे।